तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो सीजी व्यापम हो या छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जितने भी एग्जाम है, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल देने जा रहा हूँ और इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस होंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप भी शेड्यूल से जुड़ें और जुड़ करके क्लासेस करें। मंडे टू फ्राइडे का लाइव शेड्यूल है, ये सारे सेशन लाइव सेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमारे बैच है, खासकर ब्रह्मास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र सीजीपीएससी बैच आपका है, और जो समन्वित बैच बने हुए हैं आपके सीजीपीएससी के समन्वित बैच हैं, या सुगर छत्तीसगढ़ का बैच है, सीसैट का बैच है, ये सारे बैच हमारे आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के ऐप में है। सीजी व्यापम का बैच है, उससे जुड़े हुए अभ्यर्थी भी सारे के सारे इस क्लास से जुड़े, इस कोर्स से जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक का। बाकी जो बच्चे ब्रह्मास्त्र सीजीपीएससी वाले हैं उनका एक शेड्यूल लाइव सेशन का उनके बैच के चैट ग्रुप में भेज दिया गया है। लाइव सेशन के बाद आपको लिंक भी प्रोवाइड कराई जाती है, प्रॉपर लिंक सभी को भेजी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ और इसके बाद मैं बैच से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दूंगा। सबसे पहले तो हमने तय किया एक मास्टर क्लास आपकी होगी, ये हर बुधवार को होगी, 12:30 बजे का टाइम दिया है। यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपके जीएस से जुड़े हुए सब्जेक्ट को डील करेंगे। आपके कोई भी डाउट होंगे, सारे डाउट को हम प्रॉपरली यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी का कोई भी डाउट होता है, ये वाला प्रोग्राम आपका साप्ताहिक रहेगा और यहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आपको जो भी आप कहेंगे पढ़ाऊंगा भी और आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, सीजीपीएससी को लेकर चूंकि मेंस आंसर राइटिंग है आपका, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन है, तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन एक बड़ा चैलेंज है सीजी के बच्चों के लिए। 30 शब्दों में आपको लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है, 175 शब्दों में लिखना है और 125 शब्दों में लिखना है। तो आंसर राइटिंग को लेकर एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन है आपका, लाइव आंसर राइटिंग सेशन आपका 9 बजे होता है और ये हमारा आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे होता है। देखिए यहां पर एक प्रॉपर मैंने शेड्यूल दे रखा है, ये आप शेड्यूल देख रहे हैं, ये आपका एक प्रॉपर शेड्यूल है। सबसे पहले मास्टर क्लास है आपकी 12:30 बजे बुधवार को, इसके बाद वीकली आपका जो है ये वीकली क्लास रहेगी और साप्ताहिक क्लास में जो पूरी क्लासेस हैं आपकी, एक तो करंट अफेयर्स की सुबह 5:30 बजे होती है, ये लाइव सेशन है, और एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप यूट्यूब चैनल पे होती है, इस यूट्यूब चैनल पे क्लास हो रही है। इसके बाद आंसर राइटिंग की क्लास 9 बजे होती है आपकी आजाद आईएएस एकेडमी में, और शाम को 7 बजे आपका महारिवीजन सेशन होता है। तो मंडे टू जो आपकी फ्राइडे क्लास है वो, हाँ, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर 5:30 बजे, 9 बजे और 7 बजे, ये 3 सेशन आपके एग्जाम इंडिया और आजाद आईएएस एकेडमी में होते हैं, और साप्ताहिक एक आपका आजाद सीजीपीएससी एकेडमी पर लाइव रखा है हमने। तो ये टोटल आप लोगों के लाइव सेशन है, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों का चूंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमपी सीजीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं आने वाले समय पे, चूंकि देखो आपका यही नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में आप लोगों के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। आम तौर पे यही जो है, अब इस बार चुनाव है लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है नोटिफिकेशन आ जाएगा। 26 नवंबर तक आमतौर पर नोटिफिकेशन सीजीपीएससी जारी करता है और ये सीजीपीएससी 2023 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जो रहेगा, और एग्जाम जहां तक आपका फरवरी में होगा, फरवरी के दूसरे सप्ताह में जो है एग्जाम ले लेता है सीजीपीएससी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है यहां पर एक रणनीति और प्लानिंग को लेकर के काम करेंगे, सभी मुद्दों पे डिस्कस करेंगे, जो जीएस के हैं, जो आपका सीजी का है, सभी मुद्दों पे हमारी एक प्रॉपर स्टडी और एक प्लान हम यहां पे लेकर चलेंगे। करंट को लेकर तो देखो मैं रेगुलर काम कर ही रहा हूं, करंट के उस सेशन से आप जुड़ जाओगे, जीएस को शाम को 7 बजे क्लास रहती है उससे जुड़ जाओगे, जीएस हो जाएगा। यहां पर मैं चाह रहा हूं सीजी को लेकर थोड़ा मेन्स ओरिएंटेड हम कंटेंट पे काम करें, जैसे लाइक आपका दर्शन शास्त्र वाला टॉपिक है, समाज शास्त्र वाला टॉपिक है, ऐसे जो भी मुद्दे हैं उन पर हम लोग, और बाकी आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं कि कैसे हमें इन मुद्दों पे काम करना है, ठीक है। आप लोग भी जो है क्लियर है, स्पष्ट है, आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरी क्लास रखी गई, तो आप लोगों को सजेशन देने ही देने हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ये कहता हूं कि आज आप एक सजेशन दीजिए मुझे, अगले सप्ताह से क्या चीजें मैं आपको लेकर आऊं, क्या आपको पढ़ाऊं, ठीक है। और ये जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच है, थोड़ा सा इसको लेकर के भी काफी बच्चों के रिव्यू थे कि सर एक बार बैच का आप कंप्लीटली रिव्यू कर दीजिएगा कि बैच में क्या क्या चीजें आपकी पढ़ाई जा रही हैं, काफी बच्चों ने पूछा था, तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी मैं आपका जो मेंस का पूरा पैटर्न है, जैसे प्रश्न पत्र एक आपका ये 3 घंटे का भाषा से जुड़ा हुआ है, फिर एक आपका 3 घंटे का निबंध से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद फिर समान अध्ययन का पेपर है 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5 आपका और 6 आपका। टोटल ये आपका जो है पैटर्न जो है एग्जाम का,
इस पैटर्न पे ही हम काम करेंगे सीजीपीएससी की, छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम पैटर्न है उसी पे हम और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा काम करेंगे। जो दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, जीएस के इतने सारे पेपर हैं, इन सभी पेपर को लेकर के मैं पूरा आपको काम कराऊंगा, ठीक है। मनोविज्ञान जितने भी चीजें हैं सब पे लेकर के काम करेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा सुझाव दें मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। कमेंट करें कि सर मेंस को लेकर के, या तो मतलब मेंस को लेकर मैं कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, आप ये चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, जो भी आप लोग कहेंगे, जिसमें भी मेजोरिटी रहेगी उसी को लेकर हम यहां पे लेकर चलेंगे। बताएं भाई। और एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में भी जानकारी दूंगा, जो ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े हुए बच्चे हैं, एक बार ब्रह्मास्त्र बैच का हम कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे यहां पे, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि ब्रह्मास्त्र बैच में आखिरकार होता क्या है, क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र बैच का भी मैं एक कंप्लीट कोर्स रिव्यू करूंगा, ब्रह्मास्त्र सीजीपीएससी का। आप लोग के यदि कोई भी डाउट होते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये हाँ, यूपी वाले बच्चे भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम को लेकर के कोई भी आपको मतलब रोक टोक है, एग्जाम तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। सीजीपीएससी का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, बट छत्तीसगढ़ वाले बच्चे जितने भी हैं आप लोगों को देना ही है। और मैं तो कहता हूँ आप लोग सीजीपीएससी भी दीजिए, आईएएस का एग्जाम भी दीजिए, दोनों एग्जाम आपको बहुत कारगर रहेंगे। हाँ देखिए, सबसे पहले आप लोगों को आपका सिलेबस पता होना चाहिए, किसी भी बच्चे को सिलेबस को लेकर के कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ये आपका सीजीपीएससी का ऐप है और सीजीपीएससी के ऐप में आपका सीजीपीएससी का कोर्स है, सारे कोर्स हैं। एक बार मैं कोर्स आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके बाद हम जल्द ही अपनी क्लासेस भी यहाँ पे जो आप लोग कहेंगे यहाँ पे प्रॉपर, वो क्लास भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा प्रॉपर आप लोगों को। सुगर छत्तीसगढ़ के बैच से भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और सर के द्वारा अच्छे से आपको कंटेंट पूरा करवाया जा रहा है। देखिए, मैं एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजें बताता हूं, और एक बार हम कंप्लीट